जिस क्रिकेट को इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा खेला जाता है, उसी क्रिकेट से देश के पांचवें प्रधानमंत्री नफरत करते थे। जी हाँ, सिगरेट तंबाकू खाने वाले नेताओं को चुनाव का टिकट तक नहीं देते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को अरेस्ट करवाने के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन जब गिरफ्तारी की तारीख आई तो उसे टलवाते रहे। आखिर क्यों? और बाद में क्यों इंदिरा गांधी के समर्थन से ही उन्हें सरकार बनानी पड़ी? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे इस खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में, जो सिर्फ 5.5 महीने के लिए ही देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे। दरअसल इमरजेंसी की वजह से देश के लोगों में इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा था और इस गुस्से ने कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस की तब की सबसे बड़ी हार हुई। इंदिरा गांधी अपनी रायबरेली सीट तक हार गई थी। जबरन लोगों की नसबंदी कराने वाले इंदिरा के बेटे संजय गांधी भी अपनी सीट अमेठी से चुनाव हार गए और कांग्रेस देश भर में कुल 189 सीटों पर सिमट कर रह गई। विपक्षी नेताओं को मिलाकर बने जनता पार्टी गठबंधन के चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री पद के लिए 3 सबसे बड़े दावेदार सामने आए। इनमें सबसे पहला नाम था मुरारजी देसाई, जो पहले भी 2 बार पीएम बनते बनते रह गए थे। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम था बाबू जगजीवन राम का, जो उस वक्त के सबसे बड़े दलित नेता थे। और तीसरे नंबर पर आते थे चौधरी चरण सिंह, जो खुद को सबसे बड़ा जाट और किसान नेता बताते थे। आखिरकार महामंथन हुआ, जिसके बाद मुरारजी देसाई देश के 4थे प्रधानमंत्री बने। देसाई के बारे में हम आपको अपने पिछले एपिसोड में बता ही चुके हैं। आज बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह की, जो देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। दरअसल मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच शुरू से ही 36 का आंकड़ा था। देसाई सरकार में चरण सिंह को गृह मंत्रालय दिया गया, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। कुछ ही महीनों में जनता पार्टी गठबंधन में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे और देसाई को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चौधरी चरण सिंह देसाई को डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर कहते थे। उनका कहना था कि देसाई किसी की नहीं सुनते, वो सभी फैसले खुद ही लेते हैं। देसाई को मंत्रिमंडल के दूसरे नेताओं की ना तो कदर थी और ना ही वो उनसे ओपिनियन लेते हैं, ऐसा उनका कहना था। इसी तरह देसाई कहते थे कि मैं चरण सिंह का चूर्ण बना दूंगा। तो इन्हीं सब वजहों से प्रधानमंत्री देसाई और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के बीच का टकराव अब जनता तक पहुंचने लगा था। देश के जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, आपसी मतभेदों के बीच चरण सिंह ने देसाई के बेटे कांति देसाई पर कई बड़े आरोप लगाए। कांति देसाई के पीएम हाउस में रहते हुए भ्रष्टाचार फैलाने के भी कई मामले सामने आए। देसाई पहले से चौधरी चरण सिंह के व्यवहार से खुश नहीं थे और अब बेटे पर लगाए गए आरोपों की वजह से उनकी नाराजगी और बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से देसाई ने 1978 में चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से बाहर निकाल दिया। देसाई के इस फैसले से नाखुश चरण सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल किसान रैली निकाली। वो बड़े किसान नेता तो थे ही, लिहाजा उनकी रैली में काफी बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। इस विशाल रैली के जरिए सरकार को पता चला कि जनता उनके इस फैसले से कितनी नाराज है। इसी नाराजगी को देखते हुए चरण सिंह को वापस मंत्रिमंडल में लिया गया और उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने वित्त मंत्रालय का काम भी अपने जिम्मे ले लिया। इसके अलावा दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जगजीवन राम को भी डिप्टी पीएम बनाया गया। ये पहला मौका था जब देश में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन फिर भी सरकार धक्का मार तरीके से चल रही थी। खैर, साल आगे बढ़ा। अगले ही साल जुलाई 1979 में संसद के मानसून सत्र में जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। चरण सिंह ने देसाई सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरह से मुरारजी देसाई की सरकार गिर गई और उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उनकी सरकार इस तरह से सिर्फ 2 साल 126 दिन तक ही सत्ता में रही। अब क्योंकि देसाई सरकार गिरी तो सरकार बनाने के लिए फिर से जुगाड़ की राजनीति होने लगी। लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी था। कांग्रेस के पास 189 सीटें थी, विपक्ष के पास 227 और चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल के पास कुल 48 सीटें थी। इस चुनाव में जनता पार्टी के पास इतने वोट थे कि वो सत्ता की दावेदारी कर सके, इसलिए चौधरी चरण सिंह पीएम बनने का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। जनता दल के बीच चल रही उठापटक के बीच कांग्रेस ने भी इसका फायदा उठाना चाहा।
77 का लोकसभा चुनाव हार चुकी इंदिरा ने चरण सिंह की पार्टी को सपोर्ट करने का ऑफर दे दिया, जिसे चरण सिंह ने मान भी लिया। और इस तरह 28 जुलाई 1979 को देश के वो 5वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही उसी साल उनसे जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर हुआ। यूपी के इटावा जिले के उस रहार थाने में एक बुजुर्ग किसान पहुंचा। अब थाना पहुंचते ही उसने सबसे पहले सामने खड़े सिपाही से कहा, साहब मेरा बैल चोरी हो गया। सिपाही ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब परेशान किसान दरोगा साहब के पास पहुंचा, अपनी बात बताई। दरोगा ने बात तो पूरी सुन ली, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। अब मायूस किसान वापस थाने से बाहर निकला तो बाहर खड़े एक सिपाही ने कहा, बाबा चढ़ावा चढ़ाओ, काम हो जाएगा। किसान वापस थाने के अंदर गया, दरोगा से मोल भाव किया और 35 रुपए की रिश्वत देकर रिपोर्ट लिखी गई। अब रिपोर्ट लिखने वाले मुंशी ने किसान से पूछा, ये तो बताओ कि हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे। किसान ने कहा, भैया हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद किसान ने जेब से एक मोहर निकाली और उस कागज पर लगा दी। मोहर पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। थाने में मौजूद पुलिस वालों के तो होश उड़ गए, काटो तो खून नहीं, क्योंकि किसान के रूप में पहुंचे वो शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। पीएम पद के सबसे प्रबल दावेदारों में खुद को देखने वाले चौधरी चरण सिंह के बारे में रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा कि मोरारजी देसाई की कैबिनेट में गृह मंत्री चरण सिंह 2 नंबर की हैसियत से काम करने के लिए पहले दिन से ही तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर देश में इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी को अरेस्ट करवा दिया तो उन्हें देश भर में नोटिस किया जाएगा और लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में इस बात का जिक्र करते हैं। कुलदीप नैयर की चौधरी चरण सिंह के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। वो लिखते हैं कि मैं उस समय के गृह मंत्री चरण सिंह से महीने में 2-3 बार मिल लेता था। जनता दल सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही देसाई और चरण सिंह के बीच दरार पैदा होने लगी थी। इसका पार्टी और सरकार दोनों पर असर पड़ रहा था। दोनों इस बात पर सहमत नहीं थे कि इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं। मोरारजी देसाई ने फाइल पर लिख दिया कि देश की जनता ने इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को हरा कर उन्हें सजा दे दी है। लेकिन चरण सिंह इससे खुश नहीं थे। वो इंदिरा के खिलाफ मुकदमा चाहते थे और वो सरकार से अपनी बात मनवाने में सफल रहे। दरअसल इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने सरकारी पैसों से खरीदी गई 100 जीपों का इस्तेमाल किया था, इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा को गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की तारीख 1 अक्टूबर तय की गई। लेकिन जब चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी को यह बात पता चली तो उन्होंने गिरफ्तारी की तारीख बदलने की बात कही। उनका कहना था कि 1 अक्टूबर को शनिवार है, इस दिन अगर इंदिरा गिरफ्तार होती हैं तो दूसरे दिन संडे होने की वजह से उन्हें बेल नहीं मिलेगी और एक महिला के लिए ये दिक्कत की बात होगी। चरण सिंह को पत्नी की बात ठीक लगी, गिरफ्तारी की तारीख बदलकर 2 अक्टूबर की गई। तब इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूर्व DIG विजय करण उन्हें 2 अक्टूबर को गिरफ्तार न करने की सलाह दी गई। उनका कहना था कि अगर गांधी जयंती के दिन गिरफ्तार किया गया तो मुद्दा कहीं और भटक जाएगा, 3 अक्टूबर का दिन गिरफ्तारी के लिए सबसे बेहतर रहेगा। चरण सिंह को भी यह बात सही लगी। इसके बाद 2 अक्टूबर को उन्होंने CBI के डायरेक्टर को बुलाया और इंदिरा की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इस तरह 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन वक्त कितनी तेजी के साथ बदलता है यह आपको अब पता चलेगा, क्योंकि जिस इंदिरा गांधी को चौधरी ने अरेस्ट करवाया था आगे चलकर उन्हीं इंदिरा गांधी के समर्थन से वो PM बन पाए थे। वो तारीख थी 28 जुलाई 1979, जब चौधरी चरण सिंह की कांग्रेस और CPI की मदद से देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। जी हाँ, कांग्रेस और CPI की मदद से चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें 20 अगस्त तक लोकसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया, लेकिन इंदिरा ने 19 अगस्त को ही अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। इस तरह वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ही PM बने रह पाए। 5.5 महीनों के PM होने और उस वक्त संसद का कोई सत्र नहीं होने की वजह से चौधरी चरण सिंह संसद नहीं जा सके। इस तरह वो भारत के एकमात्र ऐसे PM बनकर रह गए जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया। अब वो क्रिकेट से नफरत क्यों करते थे ये जानते हैं? दरअसल उनका मानना यह था कि क्रिकेट देश के युवाओं को निकम्मा बना देता है। इसी तरह से उन्हें सिगरेट और तंबाकू से भी जबरदस्त एलर्जी थी और ऐसी नफरत थी कि सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों को वो चुनाव लड़ने का टिकट तक नहीं दिया करते थे। ऐसे थे हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।